बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, C++ प्रोग्रामिंग के एक नए लेक्चर में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज स्टूडेंट्स हम एक नया प्रोग्राम जो है वो बनाएंगे, आइए उसको रीड आउट करते हैं और नए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। राइट अ प्रोग्राम डेट इनपुट मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट फ्राम द यूज़र एंड डिस्प्ले द रिज़ल्ट ऑफ आर टोटल मार्क्स एंड एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक ऐसा प्रोग्राम जो है वो इनपुट करने जा रहे हैं कि जिसमें स्टूडेंट के मार्क्स को हम एंटर करेंगे और वो मार्क्स जो हैं वो यूज़र्स की तरफ से इनपुट किए जाएंगे एंड देन डिस्प्ले द रिज़ल्ट ऑफ टोटल मार्क्स। जितने भी उसके मार्क्स होंगे उसका रिज़ल्ट हमें डिस्प्ले कर दिया जाएगा और उस स्टूडेंट के मार्क्स की एवरेज भी हम मालूम करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स हम यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पे मैं int वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ। हमारे पास यहाँ पे वही प्रोग्राम शॉप इंक्लूड stio.h conio.h मेन parenthesis ओपनिंग ब्रेस। यहाँ मैं एक डेटा टाइप डिक्लेयर कर रहा हूँ int, जिसमें हम उस स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करेंगे। int marks 1 कॉमा marks 2 कॉमा marks 3 कॉमा मार्क्स 4 कॉमा मार्क्स 5। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या किया, मैंने यहाँ पे 5 वेरिएबल डिक्लेयर किए रिस्पेक्टिवली मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 के नाम से। तो मैं यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को एंटर करूँगा। इनका मैं एंटर करने के बाद इनका टोटल चूँकि हम लेंगे तो टोटल भी मैं यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ। इसके बाद फ्लोट डाटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम उनकी एवरेज मालूम कर सकें। तो स्टूडेंट्स एवरेज के लिए हमेशा जो है आप फ्लोट डाटा टाइप यूज़ करते हैं ताकि हम उसको जो विद डेसिमल पॉइंट्स होते हैं वो एवरेज वहाँ पे यूज़ की जा सकती है। तो आइए स्टूडेंट्स printf फंक्शन यहाँ पर यूज़ करेंगे। सबसे पहले डबल कोटेशन मार्क प्लीज़ एंटर द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे पहले सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं वो यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद चूँकि हमने यूज़ करना है यहाँ पे scanf का फंक्शन, scanf यूज़र्स की तरफ से इनपुट होगा तो मैं यहाँ पे scanf का फंक्शन यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे modulate d कॉमा एड्रेस ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ होगा और मार्क्स 1 ये मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट लिस्ट के तौर पर इस्तेमाल कर लिया। ये मैंने पहला वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर लिया। इसके बाद मैं दूसरा यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जो प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करता हूँ सॉरी। तो प्लीज़ एंटर द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 2। मैं यहाँ पे दूसरे सब्जेक्ट का जो है वो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखता हूँ और एंड पे सेमीकॉलन का इस्तेमाल करता हूँ। तो स्कैन एफ का फंक्शन यहाँ पे यूज़ होगा, डबल कोटेशन मार्क मॉड्यूलेट डी हम यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रहे हैं, हमने डाटा टाइप जो है वो इंट यहाँ पे यूज़ की है कॉमा। तो यहाँ पे फिर एड्रेस ऑपरेटर मुझे यूज़ करना पड़ेगा, एड्रेस मार्क्स 2। स्टूडेंट्स आइए इसको हम कंपाइल करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये सेमी कॉलन एंड पे मिस था, सिंटैक्स एरर था जी। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे पास प्रोग्राम रन हो रहा है, प्लीज़ एंटर द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 1। मैं यहाँ पे 87 करता हूँ, एंटर करता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो कह रहा है प्लीज़ एंटर द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 2। तो मैं यहाँ पे 85 कर देता हूँ तो हमारा यहाँ पे दो प्रोग्राम्स जो हैं वो आसानी से कंपाइल हो चुका। इसके बाद तीसरा प्रिंट एफ का फंक्शन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, डबल कोटेशन मार्क प्लीज़ एंटर द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 3 सेमी कॉलन। स्कैन एफ का फंक्शन यहाँ पे यूज़ होगा,
डबल कोटेशन मार्क मार्जलेट डी कॉमा एड्रेस ऑपरेटर मार्क्स थ्री सेमी कॉलन। इसी तरह एक और प्रिंट एफ का फंक्शन चौथे सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे यूज़ होगा, प्लीज एंटर द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट फोर कॉलन एंड पे सेमी कॉलन का यूज़ होगा, स्कैन एफ फंक्शन मॉड्यूलेट डी कॉमा एड्रेस ऑपरेटर मार्क्स फोर और एंड पे सेमी कॉलन। एक लास्ट वाला हमारा प्रिंट एफ का फंक्शन डबल कोटेशन मार्क मॉड्यूलेट डी सॉरी प्लीज एंटर द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट फाइव कॉलन एंड पे सेमी कॉलन। और स्कैन एफ का फंक्शन यहाँ पे स्टूडेंट्स यूज़ होगा, मॉड्यूलेट डी कॉमा एड्रेस ऑपरेटर मार्क्स फाइव सेमी कॉलन। ये हमारे पास स्टूडेंट्स पांच जो हैं यहाँ पे प्रिंट एफ और स्कैन एफ के फंक्शन यूज़ हो चुके। आइए इसको बारी बारी कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल और रन मैं यहाँ पे करूँगा। प्लीज़ एंटर द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट वन, मैं यहाँ पे 67 लिखता हूँ, सब्जेक्ट टू 76 लिख देता हूँ, सब्जेक्ट थ्री 87 लिखता हूँ, सब्जेक्ट फोर 78, सब्जेक्ट फाइव 98। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो हैं वो हम एंटर कर रहे हैं। तो आइए इसके बाद जो है वो हम टोटल की तरफ भरेंगे। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला यहाँ पे डिक्लेयर करूँगा, टोटल इक्वल टू मार्क्स वन प्लस मार्क्स टू प्लस मार्क्स थ्री प्लस मार्क्स फोर प्लस मार्क्स फाइव सेमी कॉलम। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला डिक्लेयर कर दिया टोटल का, उसमें मैंने पांच के पांच सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं उसको प्लस कर लिया। तो इसके बाद एवरेज मालूम करनी है, तो एवरेज के लिए मैं यहाँ पे जो है वो फॉर्मूला यहाँ पे डिक्लेयर करूँगा, एवरेज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाई 5.0। इट मीन्स डैट कि मैं उसको पांचों सब्जेक्ट्स के साथ तकसीम कर दूंगा, मतलब हमारे पास टोटल मार्क्स होंगे वो पांच पे अगर तकसीम कर दी जाए तो उसकी एवरेज मालूम हमें हो सकती है। तो आइए यहाँ पे एक और प्रिंट एफ का फंक्शन हमें यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें यहाँ पे हम मालूम कर सकते हैं कि टोटल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट कॉलन। यहाँ पे मुझे एक मॉड्यूलेट डी का इस्तेमाल करना पड़ेगा और कॉमा, यहाँ पे मैं टोटल वेरिएबल को आर्गुमेंट लिस्ट के तौर पर यूज़ कर सकता हूँ। इसके बाद एक और प्रिंट एफ का फंक्शन हमें यूज़ करना पड़ेगा, डबल कोटेशन मार्क एवरेज ऑफ द एवरेज मार्क्स, या यूँ कर लीजिए एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स कॉलन। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्योंकि हमने जो एवरेज है एवरेज हमने लगाई है फ्लोट के ऊपर, तो मुझे यहाँ पे मॉड्यूलेट डी की बजाय यहाँ पे जो है वो मैं मॉड्यूलेट 0.2f यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। मॉड्यूलेट एफ जो डेटा टाइप्स जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। 0.2f मींस के इशारिया के बाद जो है दो प्रसिशंस तक या दो हिंसों तक उसको यूज़ किया जा सके। तो यहाँ पे कॉमा avg एवरेज आर्गुमेंट लिस्ट के तौर पर यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा। तो ये था हमारा प्रोग्राम, आइए इसको स्टूडेंट कंपाइल करके देखते हैं। मैं इसको कंपाइल करता हूँ। जी स्टूडेंट, हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका। अब यहाँ पे मैं जो है वो इसको वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ, 87 सॉरी मार्क्स एंटर करते हैं। प्लीज़ एंटर द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट वन 87, प्लीज़ एंटर द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट टू 67, प्लीज़ एंटर द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट थ्री 81, प्लीज़ एंटर द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट फोर 79, प्लीज़ एंटर द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट फाइव, तो मैं यहाँ पे उसको 84 कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो हैं वो एंटर कर लिए।
अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट रिजल्ट आ चुका है। टोटल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट 398, एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट 79.60। तो हमें दोनों मिल गए लेकिन दोनों ही एक ही लाइन पे है तो मैं इसको अलहदा अलहदा भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस प्रिंटएफ फंक्शन के बिल्कुल एंड पे बैक स्लैश एन का यूज़ कर लेता हूँ ताकि अगली जो प्रिंटएफ की स्टेटमेंट है वो नई लाइन पे ले जा सके। तो आइए दोबारा से इसको कंपाइल और रन करके देखते हैं क्या वो नई लाइन पे जो है वो लाइन चली गई है। तो यहाँ पे वही दोबारा से हम कोई नए नंबर दे सकते हैं 87, दूसरे सब्जेक्ट में मैं 78 दे देता हूँ, तीसरे सब्जेक्ट में मैं 85 दे देता हूँ, चौथे सब्जेक्ट में मैं 67 दे देता हूँ, पांचवें सब्जेक्ट में मैं 94 दे देता हूँ। मैंने पांचों सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर कर लिए तो यहाँ पे स्टूडेंट्स टोटल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट 411 और एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट 82.20। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका और रन हो चुका। तो मैंने क्या किया, मैंने पांच सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर किए और उसने हमें जो है उसके टोटल मार्क्स और एवरेज भी मालूम करके दी। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, अगले लेक्चर के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।